अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब हजरात? ठीक ठाक हैं मेरे दोस्तों? और कैसे आप लोग सारे खैरियत से हैं? भाई कल मैं पहुंचा हूं यहां पे थर्सडे को शाम को इस्तांबुल टर्की, और ये थोड़ा सा ज़रा फैमिली टूर भी है ना, ज़रा बच्चों को लेके आया हूं थोड़ा 4-5 दिन ज़रा रिलैक्स होने के लिए, और ये टोटली फैमिली टूर है। और अभी मैं फेरी पे हूँ, और ये तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र हम तय करके आए हैं इस्तांबुल से, और हमारी जो रवानगी है बुर्सा की तरफ है। बुर्सा एक आइलैंड है और एक शहर है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी आप देखें, ये पूरी बहुत बड़ी फेरी है, इस फेरी के अंदर वो सामने हमारी गाड़ी है, वो उधर उस तरफ हमारी कोच है, उसमें अभी सारी जैसे खड़ी हो गई है, और ये सारी देखें आप, ये सारी खड़ी हो गई है, और अभी हम थोड़ी देर में इसके ऊपर बैठेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मिनट का ये सफ़र तय करेंगे। तो ये सारा जो है ना इस्तांबुल का एशियन पार्ट है, ये देख रहे हैं एशियन पार्ट, दिखाओ सबसे थोड़ा सा एशियन पार्ट। मैं आपको हमारा जो टूर गाइड है उससे मिलाता हूँ, और टूर गाइड ये किरण किरण ड्राइवर किरण माशाल्लाह, almost 300,000. Mashallah. If you want to show your fans, you have to go up there. Up there? Yeah. We can go up most there. Most beautiful. Okay, inshallah. Let's go up there. Out. Acha ji. ये आप देख रहे हैं, ये जो हम लोग अभी ये सारी जो है एशियन साइट ऑफ इस्तांबुल है, एशियन साइट ऑफ इस्तांबुल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है, इतनी ठंड नहीं है। मैं बस ज़रा बुर्सा के अंदर थोड़ी बर्फ़बारी होती है, ज़रा ऊंचाई पे है वो। अच्छा, बुर्सा शहर के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। वो ऐसा हुआ कि उस्मान गाज़ी जो तुर्क अर्तुरुल था, सलमान शाह का बेटा, उसके सलमान शाह के 4 बेटे थे, उनमें से जो दूसरे नंबर का था उसका नाम अर्तुरुल था, अर्तुरुल गाज़ी, और उसके भी 4 बेटे थे, उनमें से जो तीसरे नंबर का था उसका नाम था उस्मान, और वो फिर जब अर्तुरुल के इंतकाल के बाद वो बना था जो सरदार है, और उस वक्त तक क्योंकि उस्मानी सल्तनत कायम नहीं हुई थी तो वो अपने कबीले का सरदार उसको बनाया गया। तो सलमान शाह के बाद अर्तुरुल बना, अर्तुरुल के बाद उस्मान गाज़ी। अच्छा, उस्मान गाज़ी जो है उसका बेटा था उर खान, और उस्मान गाज़ी की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये बुर्सा शहर जो है वो फ़तह हो, और क्योंकि जब तक बुर्सा फ़तह नहीं होगा उस वक्त तक इस्तांबुल फ़तह नहीं हो सकता, तो बड़ी ख्वाहिश उसकी रही, और वो बीमार हो गया। 10 साल तक कोशिश करता रहा कि इसको फ़तह करे, लेकिन जब वो बीमार हो गया तो उसने अपने बेटे उर खान को कहा कि मैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बुर्सा शहर के अंदर मेरी तदफीन हो। तो लिहाजा उर खान ने फिर पूरी ज़ोर लगा कर, पूरी ताकत लगा के बुर्सा शहर को फ़तह किया। 10 साल तक इसका मुहासरा रहा था, 10 साल तक लड़ते रहे, फिर जाके जब ये फ़तह हुआ तो उस्मान गाज़ी की फिर यहाँ कब्र बनी। ये वही उस्मान है जिसके नाम पर सल्तनत उस्मानिया है, या ओटोमन एम्पायर, या उस्मानी खिलाफत। तो अभी ये फेरी चलना शुरू हो गई है, शुरू हो चुकी है अभी। तकरीबन ऑलमोस्ट ये हम इस पर 40 मिनट्स रहेंगे, और 40 मिनट का सफ़र करके हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह बुर्सा। तो बुर्सा इस एतबार से बड़ा तारीखी शहर है। बुर्सा की जो हिस्ट्री है ना वो बड़ी अहम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बुर्सा को आपको नहीं समझेंगे, बुर्सा शहर की अहमियत को, उस वक्त तक ये कुस्तुनतुइन
या इस्तांबुल जो फतह हुआ है उसके अंदर इस जो इस शहर का बड़ा किरदार रहा है। माशाल्लाह इस्तांबुल शहर मस्जिदों का शहर है। अगर किसी को इस्लाम को देखना हो और मस्जिदें खूबसूरत मस्जिदें माशाल्लाह और मुसलमान यहाँ देखें, मुसलमान आपको ईस्टर्न स्टाइल भी मिलेंगे वेस्टर्न स्टाइल भी मिलेंगे। और माशाल्लाह अब ख़वातीन अब यहाँ हिजाब लेना शुरू हो गई हैं। कुछ साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे हिजाब का नाम निशान नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखते हैं कि कई ख़वातीन हिजाब ली हुई होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी है। और तकरीबन ऑलमोस्ट 1923 के बाद से 70 साल हो गए तकरीबन, क्योंकि जो नेशनलिज्म और यहाँ पर था वो अतातुर्क जो इनकलाब लाया था उस इनकलाब की वजह से काफ़ी उस पर इंशाल्लाह मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बसें भी खड़ी हो गई हैं और लोग उतर के ऊपर आ गए। अलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से? इस वक्त मैं केबल कार पे बैठ के जा रहा हूँ। अब नज़र आ रहा है आपको पूरा शहर? नज़र आ रहा है? शहर नज़र आ रहा है? पता नहीं कितनी बुलंदी पे जाएंगे हम लोग। बुर्सा शहर जो है, अच्छा देखिए बुर्सा शहर की बड़ी अहमियत थी कि इस्तांबुल फतह होने से पहले बुर्सा जो था वो फतह हुआ था और बुर्सा जो था वो कैपिटल था ऑटोमंस का। तो लिहाजा वो देखो परिंदे, देखो बिना देखो परिंदे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं माशाल्लाह माउंटेन्स के ऊपर बुर्सा जा रहा हूँ। और ये देखें वो सामने बुर्सा का साइन भी नजर आ रहा है। قلوبنا دروبنا تابت إلى المصطفى تابت إلى المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيرية سيدي ठीक है। इस वक्त मैं बुर्सा में हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मेरी बहन सिस्टर माशाल्लाह, व्हाट इज़ योर नेम सिस्टर? मारिया। मारिया वेरी फ्रॉम Oman, mashallah, sister from Oman. Today she is my cameraman and not camera woman. mashallah. May Allah bless you, sister. और इस वक्त को यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ऊँचाई पे हूँ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है कैन यू शो सिस्टर दैट वन केबल कार, वो इसके ऊपर बैठ के हम लोग आए हैं। ये केबल कार यहाँ से चलती है और ये अब्दुल वासे वगैरह गए हुए हैं। अब्दुल वासे और ये सारे अभी वो आएंगे थोड़ी देर में। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और माशाल्लाह व्हाट इज योर नेम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन इस्तांबुल? यस। हां, यू लाइक इट? यस। हैं, नॉट वेरी मच? इज कोल्ड इन अमान? इज कोल्ड? यस, कूल। इन यूके वी हैव अ वेदर लाइक दिस सम टाइम, बट वी आर यूज्ड टू इट फॉर दिस वेदर माशाल्लाह।
तो मैं ये थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, बड़ी खूबसूरत जगह है ये, तो अल्लाह ताला आपको बरकत ता फरमाए जी। तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।